अब देखो इलिप्स और पैराबोला की तरह मैं आप लोगों को टेबल नहीं समझा रहा इसका, क्योंकि रीज़न ये है कि इलिप्स का जो टेबल है ना वो बिल्कुल जो इलिप्स का टेबल है वो बिल्कुल हाइपरबोला जैसा है। सही है, सिर्फ फ़र्क दो चीज़ों में, एक तो इक्वेशन में, मतलब जो आपने इलिप्स का टेबल कॉपी किया होगा ना उसको दोबारा आप कॉपी कर लेना, और फ़र्क क्या करना है आपने, मतलब चेंजिंग क्या करनी है, जो इक्वेशंस हैं वो चेंज होंगी, उनके दरमियान प्लस आता था और यहाँ आपके पास माइनस आ रहा है। सही है, और दूसरी चीज़ क्या चेंज होगी, आपके पास इसेंट्रिसिटी चेंज होगी। सही है, इसेंट्रिसिटी आपकी इलिप्स में जीरो से ग्रेटर और वन से लेस होती थी। सही है, और यहाँ आपके पास क्या हो जाएगी, इसेंट्रिसिटी मतलब जो सी ओवर ए है वो ग्रेटर देन वन होगी। सही, सिर्फ ये फ़र्क है एलिप्स में और हाइपरबोला में, तो ये दो चेंजिंग करनी है। बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो जो मैंने लिखवाए हैं आपके पास कोऑर्डिनेट्स, वर्टेक्स के, सेंटर के और फोसाई के, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस होता था, यहाँ क्या होगा, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। सही है, तो सब सेम है आपके पास, सिर्फ फ़र्क इक्वेशंस में और इसेंट्रिसिटी में, तो दोबारा करवाने में टाइम बहुत आया होगा मेरा। सही है, ठीक है, और फिगर भी मैंने आपको एक हाथ में बोला कि बता दिए, मेरे ख्याल में वो काफ़ी है आपके लिए। सही, अब आप इक्वेशन समझ लो वो क्या है। देखो अगर आपका ट्रांसवर्स एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, सही है, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन होगी। अगर आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा तो आपके पास ये वाली इक्वेशन होगी। और इनमें फ़र्क क्या है कि इसमें अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो सिर्फ चेंजिंग क्या होगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और वाई माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो चेंजिंग क्या होगी, वाई माइनस के का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, बाकी आपके पास हो ही रहेगा। सही है, अब देखो इलिप्स में आपके पास एक कंडीशन होती थी कि इलिप्स में हम बोला करते थे कि ए जो है वो हमेशा ग्रेटर देन बी होगा, ए कभी छोटा नहीं हो सकता। ए हमारे पास क्या था, सेमी मेजर एक्सिस। सही है, और बी आपके पास क्या था, सेमी माइनर एक्सिस। सही है, तो मेजर एक्सिस बोलते इसलिए थे कि जो आपके पास लेंथ में ज़्यादा एक्सिस जो होगा उसको मेजर एक्सिस बोला करते थे, और जो कम लेंथ वाला उसको माइनर एक्सिस बोलते थे। तो अगर 2a ग्रेटर देन 2b है तो इसमें यही चीज़ आ जाएगी कि a जो है वो ग्रेटर देन b होगा। ये तो था इलिप्स की कहानी। अब हाइपरबोला में ज़रूरी नहीं है a ग्रेटर देन b भी हो सकता है, a इक्वल टू b भी हो सकता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, और a जो है वो लेस देन b भी हो सकता है। सही है, इसमें तीनों चीज़ें आपके हो सकती हैं। सही है, इसमें फिक्स आपके पास क्या है कि c जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा a से, ये चीज़ कंफर्म है, सी कभी लेस नहीं हो सकता ए से, सी हमेशा ग्रेटर होगा ए से, लेकिन ए बी से ग्रेटर भी हो सकता है, ए बी के बराबर भी हो सकता है और ए बी से लेस भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कंडीशन में। तो इसमें आपने ये नहीं देखना, जैसे अगर आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, लेट कर लो ये एक हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है, फर्क तो आपको लाजमी पता चल जाएगा, इलिप्स में पॉजिटिव आता था इसमें नेगेटिव आएगा आपके पास। सही, अब आपने ये नहीं देखना कि बड़ा कौन सा है, उधर हम क्या करते थे, जो बड़ी क्वांटिटी होती थी, बड़ा डिनोमिनेटर होता था, उसको हम लेट कर लिया करते थे 16 के बराबर, मतलब बड़ा 16 है, और बी स्क्वायर लेते थे 9 के बराबर। ठीक है, ये आपने हाइपरबोला में नहीं करना। हाइपरबोला में आपने क्या करना है, देखो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे दो टर्म है, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, आपने ये देखना है कि जो टर्म पॉजिटिव है, यहाँ पे कौन सी टर्म पॉजिटिव है आपके पास, ये वाली पॉजिटिव है ना। ठीक है, जो टर्म पॉजिटिव है उसका डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास ए स्क्वायर है। सही है, एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। अब इसमें देखो, यहाँ से थोड़ा चेंजिंग कर देते हैं, क्या मैंने बोला आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे दो टर्म है, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। सबसे पहले ये देखो पॉजिटिव वाली टर्म कौन सी है, ये वाली टर्म जो है ये आपके पास पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव टर्म होगी उसका डिनोमिनेटर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर, और जो नेगेटिव टर्म होगी उसका डिनोमिनेटर जो होगा उसको हम बोलेंगे बी स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव ये वाली टर्म है, इसका डिनोमिनेटर ए स्क्वायर, और यहाँ पे नेगेटिव ये वाली टर्म है और इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। सही है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर फिर भी समझ नहीं आई तो फिर नहीं आ सकती। सही है, इसके बाद नहीं आ सकती। ये चीज़ होगी कि ए स्क्वायर कौन सा होगा, बी स्क्वायर कौन सा होगा, जो पॉजिटिव टर्म होगी उसका डिनोमिनेटर ए स्क्वायर होगा आपके पास। ठीक है, अब अगर आपके पास ए स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे या एक्स माइनस एच के होल स्क्वायर के नीचे, बस ये लॉन्ग हो जाएगा, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, बात तो एक ही है, जो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है इसमें लॉन्ग है, इसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो अगर आपका ए स्क्वायर, इसको जनरल बोल देते हैं, अगर एक्स की टर्म के नीचे, मतलब ये एक्स की टर्म है, इधर भी एक्स की टर्म है। सही, तो अगर आपका ए स्क्वायर जो है वो एक्स की टर्म के नीचे आ रहा है, इधर भी देखो ए स्क्वायर जो है एक्स की टर्म के नीचे आ रहा है, तो या तो वो केस
मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होगा या ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, वो डिपेंड करता है। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर आ रहा है तो अलोंग एक्स एक्सिस है, अगर आपके साथ आपके पास कोई एक्स के साथ चीज़ माइनस हो रही होगी और उसका होल स्क्वायर होगा तो उसका मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला केस होगा, सही है। और अगर आपका ए स्क्वायर जो है वो वाई की टर्म के नीचे आ रहा है, ए स्क्वायर सबसे पहले पहचानना, वो कैसे पहचानोगे, जो टर्म पॉजिटिव है, सही है, उसका डिनोमिनेटर ए स्क्वायर होगा। तो अगर ए स्क्वायर वाई की टर्म के नीचे आ रहा है तो आपके पास जो कौन सा केस होगा उसमें ट्रांसवर्स एक्सिस या तो अलोंग वाई एक्सिस होगा या ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। अब वो डिपेंड करता है, अगर उसका न्यूमिनेटर वाई स्क्वायर है तो अलोंग एक्स एक्सिस, और अगर उसका न्यूमिनेटर में वाई में कोई चीज़ माइनस हो रही है और उसका होल स्क्वायर गिवन है तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा, सही है। तो दो काम, सबसे पहले ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पहचानने आपने, सही है। अब देखो इस केस में ए स्क्वायर लेस है बी स्क्वायर से, एलिप्स में ऐसा नहीं होता था, लेकिन यहाँ हो सकता है, यहाँ आपके पास ए स्क्वायर ग्रेटर है बी स्क्वायर से, हो सकता है यहाँ, सही है। पहला काम तो ये आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहचानना है, और फिर देखना है ए स्क्वायर का न्यूमिनेटर कौन सा, अगर एक्स वाली टर्म है तो वो एक्स एक्सिस वाला केस होगा, अगर वाई वाली टर्म होगी तो वाई एक्सिस वाला केस होगा, सही है। मेरे ख्याल में हाइपरबोला से रिलेटेड मैंने जितना कवर करवा सकता था मैंने कवर करवा दिया, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग पूछ लेना, मैं आप सवाल करवाता हूँ आप लोगों को।